अभी हम देखेंगे कि हमारे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में स्टूडेंट्स का जो हम एडमिशन कर रहे हैं उसका फॉर्म भर रहे हैं, उसकी जो रिसिप्ट दे रहे हैं, उस रिसिप्ट को हम कैसे इशू करा सकते हैं और उसका प्रिंट आउट कैसे ले सकते हैं। तो रिसिप्ट बनाने के लिए जैसे हमारे पास देखना है फीस रजिस्टर के अंदर पहले कितना डेटा है। हमारे पास चार रसीदें इसके अंदर कटी हुई हैं, तो हमें क्या करना है, पहले इसके दो तरीके करने हैं। हम पहले क्या करते हैं, इसका क्रिएट करके फीस रजिस्टर की एक क्यूरी बनाएंगे। तो क्यूरी विजार्ड में जाएंगे, यहाँ से सिंपल क्यूरी करेंगे, ओके करेंगे, सारी फील्ड्स को ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल फी क्यूरी। फी क्यूरी लिख देते हैं इसका नाम और उसको फिनिश कर देते हैं। तो क्यूरी के अंदर डेटा आ जाएगा सारा। उसके बाद क्या करेंगे, जब क्यूरी के अंदर डेटा आ जाएगा तो क्यूरी से हम बनाएंगे इसकी एक रिपोर्ट। तो रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। एक हम बनाते हैं जर्नल रिपोर्ट फीस के हवाले से जो हर महीने कलेक्ट की जाएगी, तो नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। उसको हम बनाएंगे टेबुलर फॉर्म में, लैंडस्केप व्यू में, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फीस रजिस्टर का नाम आ रहा है तो हम ये लिख देते हैं फी रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे आ गया फी रिकॉर्ड्स। तो ये सबकी फीस की एंट्री हमारे सामने इस तरह से आ जाएगी कि रसीद नंबर एक पे किसने रसीद दी है और उनके नाम भी सारे लिखे हुए आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका टोटल वगैरह कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फी क्यूरी को हमें ये तो अमाउंट नहीं आ रहा उसके अंदर, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि रिपोर्ट पर चलते हैं, रिपोर्ट को खोल के देखते हैं फी रिकॉर्ड्स को। तो यहाँ पे देखिए कि इनकी अमाउंट तो आ रहा है लेकिन इनका टोटल नहीं आ रहा। तो टोटल करने का तरीका ये है, इसको रिपोर्ट को राइट बटन दबाएंगे, डिज़ाइन व्यू में लेके जाएंगे, यहाँ पे जिस फील्ड के ऊपर रिपोर्ट लगा रिकॉर्ड आ रहा है मतलब नंबर लगे हुए हैं उस पर क्लिक करेंगे आप फी अमाउंट वाले पर, और यहाँ पर आपको एक फंक्शन नज़र आएगा जिसका नाम होगा टोटल। टोटल पर आके आपको सारे फंक्शन नज़र आ जाएंगे, यहाँ से आप उसको सम कर देंगे, सम करने के बाद आपका जो फी अमाउंट है वो निकल आएगा। इस पर क्लिक करके फॉर्मेट में जाके यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे, थोड़ा सा पेपर का हिस्सा बढ़ा देंगे, यहाँ पे क्लिक करके ये यहाँ से थोड़ा टोटल बढ़ा देंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, सेव करेंगे और इसको दोबारा से रिपोर्ट व्यू में देखेंगे तो ये देखें इसका टोटल भी आ जाएगा। तो यानी कि अब तक जो फीस मिली है टोटल 12,500 रुपये की मिली है। चलिए एक नई एंट्री करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ से गए न्यू फीस रजिस्टर में, तो अब जो फीस दे रहा है हमने कहा यहाँ से न्यू, और कौन दे रहा है फीस आज की तारीख में, सबज मोहम्मद इसाक ने फीस दी है, इसकी एडमिशन फीस है, और यहाँ पे जाके हमने इसकी 3,500 की एंट्री करी, रिसीव करने वाले का नाम डाला और उसको सेव कर दिया, क्लोज़ किया हमने जाके, और यहाँ पे जाके देखा हमने फी रिकॉर्ड्स के अंदर, तो यहाँ पे देखें एक और रिसिप्ट एंट्री हो गई और यहाँ पे 16,000 रुपये आपका टोटल कलेक्शन हो चुका है। अब ये तो हो गया कि सबकी फीस जो आ रही है कलेक्शन उस तरीके से। अब एक किसी स्टूडेंट की सिंगल रिसिप्ट बनानी है तो इसी क्यूरी को कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, और इसको हम रखते हैं रिसिप्ट बाय, यहाँ पे लेते हैं पहले ऑल रिसिप्ट, तो ऑल रिसिप्ट बना लेते हैं और उसको ओके कर देते हैं। ऑल रिसिप्ट जो हमने बनाया इस पर क्लिक किया, फिर क्रिएट में गए फॉर्म रिपोर्ट, रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक किया, यहाँ से इसको ऐड कराया, नेक्स्ट किया, और यहाँ पे हमने रोल नंबर को टॉप पे ले लिया। अब हमारी मर्जी है कि रोल नंबर के मुताबिक, रिसिप्ट नंबर के मुताबिक लेना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। अब जो रिपोर्ट बना रहे हैं वो हम बनाएंगे, ब्लॉग बना सकते हैं, आउटलाइन बना सकते हैं, तो हम लेते हैं स्टेप रिपोर्ट और इसको पोर्ट्रेट पे बनाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और ये कहेंगे ऑल रिसिप्ट, फिनिश कर दिया यहाँ पे। तो ये सबकी रिसिप्ट यहाँ पे बन के आई है, लेकिन ये थोड़ा सा रिसिप्ट का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, हम इसको और दूसरे तरीके से देखना चाह रहे हैं, तो राइट बटन दबाएंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। तो अभी हमारा फॉर्मेट आ रहा है, ये रिसीट नंबर यहाँ पर आएगा, रसीद नंबर कहाँ पर आएगा, फुल नेम यहाँ पर आएगा और बाकी डिटेल्स नीचे आ रही है। तो डिटेल ऐसे सीधी आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे थोड़ा सा सही नहीं लग रही तो उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप रसीद नंबर जो है अभी ये लेवल्स हैं इनके, ये यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो इन सबको सेलेक्ट कर लें, ये ऐसे सेलेक्ट करें इनको आप, और ये अभी आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं, इनको हम लेके जाएंगे यहाँ से अरेंजेस में, और ये अभी आपको नज़र आ रहे हैं टेबुलर में, उसको हम कर देंगे रिमूव स्टैक। ये देखिए जैसे स्टैक करेंगे तो ये डेटा एक के एक आगे आ जाएगा और ये इस तरह से दिखाई देने लग जाएगा। अब स्टूडेंट का नाम ऊपर आ गया और यहाँ पे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब मजीद मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप इसको रिपोर्ट व्यू करके देखेंगे, जब आप इसको तो यहाँ पे देखें रिपोर्ट व्यू में हर किसी का एक रसीद नंबर आ रहा है, यानी फुल नेम, उसका रसीद नंबर जो उसने दी, और फिर रसीद नंबर टू, और यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, अच्छा ठीक है, फुल नेम क्या आ रहा है और रसीद नंबर टू आ रहा है, उसकी डेट आ रही है, और ये उसका किस महीने की फ़ीस दी है, मंथली दी है इसने, और ये आ रहा है सारी चीज़ें, ये भी रसीद नंबर एक आ रहा है, रसीद नंबर तीन आ रही है, रसीद नंबर पाँच आ रही है, ये सारा डेटा इधर आ रहा है। अब ये भी देखना चाह रहा हूँ कि ये किस चीज़ का डेटा आ रहा है, तो डिज़ाइन व्यू में दोबारा से लेके चले जाते हैं इसको, और डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद रसीद नंबर तो यहाँ आ रहा है, ये 1, 2, 3 क्यों आ रहे हैं, ये शायद इसकी एंट्री आ रही है जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं इनकी फुल नेम, तो यहाँ से क्लोज करके इसको खोलते हैं। हाँ, स्टूडेंट का नाम यहाँ से गायब हो गया, ठीक है।
अब स्टूडेंट का नाम क्यों नहीं आ रहा, उसकी जगह पे उसका स्टूडेंट का रोल नंबर आ रहा है। देखें यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम नहीं आ रहा बल्कि स्टूडेंट का रोल नंबर आ रहा है। ये जी आर रजिस्टर पर जाके देखें इसका, हालांकि हमारी ऑल रिसिप्ट क्यूरी में है तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ रहा है लेकिन वहाँ पे नाम नहीं आ रहा, उसका रोल नंबर आ रहा है। तो नाम की कैसे लेंगे, यहाँ पे दोबारा से जाएंगे ऑल रिसिप्ट पे, इसको करेंगे डिज़ाइन व्यू में और इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए रिसीट नंबर आ रहा है, डेट ऑफ रिसीविंग फुल नेम आ रहा है। अब इस फील्ड को भी आप उठाते हैं, यहाँ पे कर देंगे दोबारा से एड, और इसको यहाँ से दोबारा रिपीट व्यू में करके देखते हैं कि आप क्या आ रहा है। अब देखिए नाम आ गया, नाम आ गया, तो इसको यहाँ से लेके जाएंगे कहाँ पे। तो अबे उसका रोल नंबर भी चाहिए ताकि पता चले कौन से रोल नंबर वाले ने दिया है। तो ठीक है, डिज़ाइन व्यू पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू पे आने के बाद ये देखिए फुल नेम आ रहा है, सही है, उसके नीचे तो रोल नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे फुल नेम को आगे क्या लिख देते हैं, रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर यहाँ आ गया। अब उसके बाद उसका फुल नेम आ रहा है। अब फुल नेम अगर आप ऐसे दिखाना चाह रहे हैं कि फुल नेम के आगे फुल नेम लिखा हुआ आ जाए तो ठीक है, वरना फुल नेम को भी यहाँ से पकड़ें, इसको यहाँ से ऊपर ले जाएं। अच्छा, ये ऊपर लेके जाएगा, एक मिनट, यहाँ से पकड़ना पड़ेगा इस कोने से, इसको पकड़ के कंट्रोल एक्स करें और यहाँ पे जाके क्लिक करके कंट्रोल वी करें, ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पे ले आए। तो फुल नेम इसके आगे आ गया और यहाँ पे ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो अब देखें आपके रसीद का फॉर्मेट कुछ इस तरह का बन गया। रिकॉर्ड व्यू में जाके देखें तो रोल नंबर एक और फुल नेम ये, और इसकी रसीद नंबर दो, और इसने ये फीस दी है। फिर रसीद नंबर एक पे इसकी इसकी मतलब इसकी दो रसीदें कटी हुई ना, रसीद नंबर एक और रिसिप्ट नंबर टू, रिसिप्ट नंबर वन इसके नाम पर कटी हुई है सुलेमान की। ठीक है, नहीं इसका नाम था मोहम्मद अयाज है, मोहम्मद अयाज के नाम पर दो कटी हुई है, और फिर जो मोहम्मद सुलेमान है इसकी ये वाली रसीद कटी हुई है, मतलब चौथे नंबर में मोहम्मद इसाक है इसकी कटी हुई है। तो इसका जो एक मसला ये हुआ कि ये जो ऊपर चला गया रोल नंबर, ये सब पे रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, मैंने बताया था आपको पेज का हेडर सिर्फ उस पेज के ऊपर रिपीट होगा, सिर्फ पहले पेज पर रिपीट होगा और अगले पेज पर रिपीट होगा, हमें तो हर किसी के सामने रिपीट करना है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ये जो फुल हेडर है और ये पेज हेडर है, अच्छा फुल नेम का हेडर है, अच्छा फुल नेम का हेडर सब पे रिपीट हो रहा है, ये देखते हैं ज़रा इसको, यहाँ पे जाके रिपोर्ट व्यू में ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, तो इसको दोबारा ले आते हैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में, और यहाँ पे देखिए फुल नेम के आगे फुल नेम आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, और इसको भी यहाँ से पकड़ते हैं और इसको भी इसके ऊपर ही ले आते हैं। ठीक है, रोल नंबर के आगे आना चाहिए था, रोल नंबर आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये आ गया यहाँ पे इस तरीके से, और ठीक है सेव करते हैं और यहाँ पे अब जाके देखते हैं रिपोर्ट व्यू में। तो रोल नंबर एक, फुल नेम ये आ गया, रसीद नंबर दो, रसीद नंबर एक, फिर रोल नंबर दो। ठीक है, अब सेट हो गया मामला, अब चलते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर। तो रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आ रहा है और उसके नीचे वो आ रहा है, इन सबको सेलेक्ट करके हम सेंटर कर देते हैं। सेलेक्ट किया, अरेंज में गए, उसको बोल्ड भी किया, थोड़ा फॉन्ट साइज़ को भी बढ़ाया, और इनको हमने क्या कर दिया सेंटर, ताकि डेटा जो है हमारा एक साथ नज़र आए। तो ये देखें डेटा नॉर्मल हो गया, ये हमारा वो डेटा कलेक्शन वाला हो गया जिसको हमने यहाँ से बोल्ड किया, ये यहाँ पर आ गया। ठीक, अब उसके आगे हम इसको लेते हैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू के अंदर दोबारा रिपोर्ट व्यू। तो ये देखें रिपोर्ट व्यू में यहाँ से आ रहा है, रोल नंबर एक, फुल नेम मोहम्मद अयाज, इसकी एक रसीद दो नंबर पे है, एक रसीद नंबर एक कटी हुई है, फिर रोल नंबर दो उसका नाम है फुल नेम मोहम्मद, क्या नाम है सुलेमान खान। अच्छा, अब सुलेमान खान और ये जो नाम है ये थोड़े से इनके साथ जुड़ के आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि इनको डिज़ाइन व्यू में ले जाकर थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, तो इसको इसके साथ कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके पेज हेडर की ज़रूरत इतनी नहीं है, तो यहाँ से इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा गैप बढ़ा लेते हैं नीचे की तरफ ना, ताकि ये थोड़ा स्पेस यहाँ पे आ जाए। तो अब देखते हैं रिपोर्ट व्यू के अंदर, अब सेट हो गया। ठीक है, तो ये देखें रोल नंबर एक के ऊपर दो रसीदें कटी हुई हैं, दोनों रसीदों की डिटेल आ रही है, किस किसने वो हासिल किए अगर इस तरह से देखना चाह रहे हैं, और रोल नंबर दो के ऊपर एक रसीद कटी हुई है, रोल नंबर चार की एक रसीद कटी हुई है, रोल नंबर 11 की एक रसीद कटी हुई है। अब चले रोल नंबर 11 से हम एक और रसीद इसकी क्रिएट करवाते हैं। रोल नंबर 11 पे कौन है, मोहम्मद तैयब, ये थोड़ा सा छुप रहा है नाम, तो हम डिज़ाइन व्यू में जाके इसका ये जो ब्लॉक है थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, तो ये थोड़ा बड़ा कर दिया हमने, और इसकी जो फ़ीस हमें मिली हुई है रिपोर्ट व्यू में जाके देखते हैं मोहम्मद तैयब की। अब तक जो फीस मिली है हमें वो एडमिशन फीस मिली, मंथली फीस नहीं मिली। चलिए अब इसकी मंथली फीस की एक एंट्री करते हैं, तो यहाँ से गए न्यू फीस पे, और यहाँ से किया हमने न्यू रिसिप्ट पे क्लिक करके हमने यहाँ से लिया मोहम्मद तैयब को लेके हमने यहाँ से लिया मंथली के आ गया, हमने उसकी एंट्री करी 2000 रुपीज़ की और इसको रिसीवर पर डाला इनके, फिर इसको कर दिया सेव। ठीक है, अब यहाँ से क्लोज करते हैं, अब रिपोर्ट देखते हैं, ऑल रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं, जो देखिए नीचे आते हैं तो देखिए रोल नंबर 11 पे अब कितनी रसीदें कट गई, दो, एक रसीद नंबर 6 और एक रसीद नंबर 4,
और रसीद नंबर 6 कटी है 2,000 रुपये की मंथली फ़ीस की, और रसीद नंबर 4 जो कटी हुई है वो एडमिशन फ़ीस की है 3,500 रुपये की। इस तरह से और रसीद भी आप देख सकते हैं। अब तीसरी चीज़ है कि बाय रसीद नंबर या बाय रोल नंबर, मतलब अब इसी क्यूरी की आप क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं मिसाल के तौर पे ऑल रिसिप्ट है ना, तो मैं इसको कह रहा हूँ रिसिप्ट RECIPT रिसिप्ट बाय, ठीक है रिसिप्ट बाय रिसिप्ट नंबर, ठीक है रिसिप्ट बाय रिसिप्ट नंबर ये मुझे जनरेट करवानी है। तो रिसिप्ट बाय रिसिप्ट नंबर इस पर क्लिक कर दिया, ये क्यूरी जनरेट हुई। ठीक है अब इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर राइट बटन दबाऊंगा, डिज़ाइन व्यू में जाऊंगा, तो यहाँ पर एक फील्ड मिलेगी मुझे रिसिप्ट नंबर की। रिसिप्ट नंबर पर जाके मुझे यहाँ क्राइटेरिया में क्या लिखना है, तो क्राइटेरिया में मुझे लिखना है यहाँ पे जाके स्क्वायर ब्रैकेट्स में एंटर रिसिप्ट नंबर, एंटर रिसिप्ट एनओ, ये लिख के मैंने यहाँ पे कॉपी किया और इसको कहाँ पे जाके डाल दिया मैंने क्राइटेरिया के अंदर, सेव कर दिया क्लोज कर दिया। ये मैंने अपना क्राइटेरिया रख दिया, जैसे ही इसको चलाऊंगा तो ये मुझसे कहेगा एंटर रिसिप्ट नंबर, और जो रसीद नंबर मैं डालूंगा सपोज 4, तो उसका डेटा मेरे सामने आ जाएगा। अब क्या करना है मुझे, इसकी एक रिपोर्ट बनानी है, क्लिक किया यहाँ पे क्रिएट और यहाँ से कहा रिपोर्ट विजार्ड, और यहाँ से मैंने सारी चीज़ों को ऐड करा लिया, नेक्स्ट किया नेक्स्ट किया नेक्स्ट किया। तो इसमें मैं रसीद नंबर को सबसे ऊपर ले लेता हूँ, सबसे टॉप पे मैंने ले लिया रसीद नंबर, नेक्स्ट कर दिया नेक्स्ट कर दिया। अब ये आउटलाइन रिपोर्ट बना लेते हैं, ठीक है नेक्स्ट कर देते हैं, और यहाँ से रिसिप्ट बाय रिसिप्ट नंबर और फिनिश कर दिया। ये एक और रिपोर्ट बन गई, इसमें रिसिप्ट नंबर 4 डाला, तो देखें इसमें रिसिप्ट नंबर 4 का डेटा मेरे सामने आ गया, सिर्फ उसका डेटा आ रहा है। ठीक है अब हम यहाँ से क्लिक करते हैं रिसिप्ट नंबर 11 डालेंगे, इसको नहीं इसको चलाएंगे रिसिप्ट बाय रिसिप्ट नंबर 11 और एंटर करेंगे, तो इसमें कोई रिसिप्ट नहीं बनी हुई। रिसिप्ट नंबर 5 का डेटा देखना है, 5 डाला तो रसीद नंबर 5 का डेटा आ गया, सिर्फ उसमें रिसीविंग डेट थोड़ी सी हाइड हो रही है, इसको डिज़ाइन व्यू में जाके हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो ये डेट का ज़रा कॉलम कम आ रहा है, तो इसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये थोड़ी सेट हो जाएगी, ठीक है, और इसको थोड़ा और मज़ीद अरेंज कर देंगे तो ये उस तरह से हो जाएगी। यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो रसीद नंबर 5 जो कटी हुई है वो किसके नाम पे कटी हुई है, मोहम्मद इसहाक के नाम पे, उसने एडमिशन फीस पे की थी 3,500 रुपये, और रसीद हासिल किसने करी, राशिद ने, सही है समझ में आ गई।